हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और आधार नंबर लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि ये जो आधार नंबर है इसमें सभी आधार नंबर में 4 डिजिट के बाद डैश लगाना है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट सेल में आप देख सकते हो, पहले 4 नंबर है, फिर डैश है, फिर 4 नंबर, फिर डैश, फिर 4 नंबर है। तो ऐसा हमें क्या सभी में लगाना है। यदि आप एक एक करके इनमें डैश लगाते हो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप एक बेसिक सा स्टेप फॉलो कर सकती हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जितना भी डेटा उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप जाएंगे सबसे लास्ट में मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कस्टम। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप। टाइप में आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल जीरो लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि 4 डिजिट के बाद में डैश चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 टाइम 0 लिखेंगे। इसके बाद आपको डैश लगाना है, फिर आप 4 टाइम 0 लिखेंगे, इसके बाद डैश, देन 4 टाइम 0। तो ये आप देखेंगे 4 टाइम 0 डैश, 4 टाइम 0 डैश, तो आपकी 4 नंबर आएंगे, इसके बाद डैश आएगा। इस तरह से हमने एक फॉर्मेट क्रिएट कर दिया। अब आपको सिंपल सा कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो या आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जितना भी डेटा था सभी में 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डैश लग गए हैं। तो इस तरह से आप आधार नंबर के बीच में डैश को लगा सकते हैं।